आगरा अनुभाग जीआरपी में बड़ी संख्या में यात्रियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 350 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल मिलने के बाद मोबाइल धारकों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही थी। इस भीड़ को देखकर आपको लग रहा होगा यहाँ पर मोबाइल फोन मुफ्त में बांटे जा रहे हैं या फिर मोबाइल फोन की सेल लगी हुई है, कम दामों में मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भीड़ रेल यात्रियों की है, उन रेल यात्रियों की जिनके मोबाइल फोन रेलवे स्टेशन पर या फिर ट्रेन में गायब हो गए थे, चोरी हो गए थे या फिर गिर गए थे। जीआरपी आगरा अनुभाग ने बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ऐसा बताया गया है 305 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इक्का दुक्का मोबाइल फोन ही कीपैड वाले हैं, सभी कीमती मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन की कीमत 46 लाख रुपए आंकी गई है। देखिए, आगरा अनुभाग के द्वारा जो है एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें जो मोबाइल फोन जो गुमशुदा होते हैं या जो चोरी होते हैं उनको बरामद करने के लिए ये अभियान था, जिसमें जो अपना 2 महीने में जो है लगभग हम लोगों ने 305 मोबाइल फोन जो है वो हम लोगों ने बरामद किए हैं, और उनको जिसकी अनुमानित कीमत जो है ये लगभग 46 लाख के आसपास की है। और इसमें अलग अलग जगहों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं, जिनको अभी सारा मोबाइल फ़ोन जिनका है उनको सुपुर्द किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग भरतपुर से हैं, कुछ लोग बनारस से आए हुए हैं, कुछ कानपुर से, कुछ फर्रुखाबाद से, मतलब अलग अलग जिलों से आए हुए हैं जिनको सारा ये फ़ोन जो है उनको सुपुर्द किया जा रहा है। एक एक कर उन मोबाइल धारकों को मोबाइल फ़ोन SP रेलवे मोहम्मद मुश्ताक ने सौंपे, जिनके मोबाइल फ़ोन थे, जिनकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी, सभी खुश थे। जीआरपी आगरा अनुभाग के पुलिस कर्मियों ने कड़ी मेहनत की, सर्विलांस की टीम ने मेहनत की, उसका परिणाम था सैकड़ों की संख्या में मोबाइल फोन बरामद किए गए, 305 मोबाइल फोन। देखिए, इसमें अधिकतर जो फोन हैं हमारे, इसमें 239 फोन जो हैं वो गुमशुदा हुए थे, जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी वो सारे फोन हैं, और जो और 66 फोन जो हैं वो जो चोरी और से संबंधित जो हैं वो बरामद हुए हैं। जब कोई सामान खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, मिलने की उम्मीद ना के बराबर रहती है, लेकिन कुछ ही वर्षों में मोबाइल फोन बरामद किए जा रहे हैं। जिला पुलिस हो या फिर जीआरपी लगातार मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को सौंप रही। जिन लोगों के मोबाइल फोन बरामद हुए उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने किस्तों पर मोबाइल फोन खरीदा था, अभी 1-2 किस्त ही भर पाए थे, उससे पहले मोबाइल चला गया, लेकिन अब वापस मिला है, मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई दे रही थी। धन्यवाद जीआरपी का किया जा रहा था। हम बहुत परेशान थे, किस्तों पर मोबाइल लिया था हमने, अभी 4-5 महीने ही चला पाया था जब तक चोरी हो गया। किस्त नहीं चुक पाई थी पूरी? नहीं, 2-3 ही चुक पाई थी ये। अच्छा, परेशान थे कि अभी एक मोबाइल चोरी हुआ, फिर दूसरा कहाँ से लें, बहुत दिक्कत आ रही थी। अच्छा, नंबर वगैरह भी होंगे? हाँ, नंबर वगैरह सब उनके कॉन्टेक्ट थे। अच्छा, सब चले गए। बहुत टेंशन हो गया? बहुत ज़्यादा टेंशन, ऑफिस का सारा उसमें बहुत उम्मीद वगैरह, ये उम्मीद ही थी, नहीं थी बिल्कुल कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अचानक इनका फ़ोन गया था। किसका? जीआरपी का। तब हमें थोड़ी उम्मीद मिली कि चलो हमारा मोबाइल मिल जाएगा। कैसा काम किया पुलिस ने? बहुत ही अच्छा काम किया। उम्मीद छोड़ दिया था आपने? बिल्कुल भी नहीं थी, हमने तो 10 महीने से आशा ही नहीं थी, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा कि हमारा फोन ही हो गया है अभी ये आके कल। अच्छा, थोड़ी उम्मीद, बहुत खुश हो? बहुत खुशी हुई, मतलब ये बरामद मोबाइल फोन में आईफोन भी थे। जिस तरीके से मोबाइल फोन बरामद किए जा रहे हैं उससे पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है। अब लोग उम्मीद करने लगे हैं खोया हुआ मोबाइल फोन या फिर चोरी किया गया मोबाइल फोन बरामद हो सकता है। मोबाइल फोन खो जाए या फिर चोरी चला जाए, परेशानी खड़ी हो जाती है। यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, सामने तमाम सारी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आगरा जीआरपी ने बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन बरामद की है। ये वो मोबाइल फ़ोन हैं जो यात्रियों के चोरी गए थे या फिर यात्रा के दौरान खो गए थे। जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन वापस मिला है उनके चेहरे पर खुशियां साफ दिखाई दे रही हैं। ख़ास तौर से वे लोग ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने किस्तों पर मोबाइल फ़ोन लिया था। मोबाइल फ़ोन की किस्त अभी पूरी नहीं हो पाई थी, उससे पहले मोबाइल फोन चला गया। ऐसे लोग पुलिस को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं, जीआरपी को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ समय से लगातार पुलिस की सर्विलांस टीम ऐसे मोबाइल फोनों को ढूंढ निकाल रही है।
जो खो गए हैं या फिर चोरी चले गए हैं। लोगों की मुस्कुराहट वापस लौटाई जा रही है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया सीनियर।